हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर नंबर 6 में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक रॉड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड एंड सर्कुलर आर्क। तो चलिए साहब, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। एक सर्कल है, कंप्लीट नहीं है, सर्कुलर आर्क है थीटा एंगल का। उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा और उस पर टोटल चार्ज है मान लीजिए क्यू। उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इसलिए इससे अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और ये लास्ट लेक्चर में अपन ने बात किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिराइव भी किया था। ये होता है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई टू, ठीक है सर। लेकिन अगर क्यू चार्ज गिवन है तो क्या करेंगे? तो आपको सिखाया था कि आप लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई थीटा बाई टू। ये इजी टर्म है, लेकिन यहां पे ये ज्यादा यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ही चार्ज गिवन होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू। अब यहां पे अगर हाफ रिंग की आप बात करेंगे, एग्जैक्टली किसकी बात करेंगे बेटा? हाफ रिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे से अबे होगा और इसकी वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। अब एंगल बताओ, ये थीटा कितना हो जाएगा? पाई। यहाँ पे रखोगे साइन पाई बाई टू वन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, निगेटिवली चार्ज्ड हाफ रिंग अगर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। सर अगर 1/4 हो तो ये रिंग का 1/4 पार्ट है मान लीजिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली इसके मिड में से अवे आएगा और इसकी वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर और एंगल बोलो पाई बाई टू। तो यहाँ पे देखेंगे साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू और बाई टू पहले से, ये थीटा की वैल्यू तो पाई बाई टू आया ना भाई, ये थीटा पाई बाई टू है और थीटा बाई टू पाई बाई फोर एंड पाई बाई फोर इज 1/√2। रूट टू से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 2k लैम्डा बाई आर। ये 2k लैम्डा बाई आर है एग्जैक्टली इसके बीच में, इसका मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सेम रहा होगा k लैम्डा बाई आर एंड k लैम्डा बाई आर बाई आर k लैम्डा बाई आर एंड k लैम्डा बाई आर, तभी ये 90 डिग्री पर 2k लैम्डा बाई आर हो गया। तो छोटी छोटी बात आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे बढ़िया सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह का पूछते हैं। मान लीजिए हाफ रिंग ले लिया मैंने और इस आधे पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस आधे पे निगेटिव, तो सबसे पहला सवाल पूछेंगे आपसे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों का चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस लैम्डा होगा, ये माइनस लैम्डा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, बहुत जबरदस्त सवाल है। आपसे पूछेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स वाई प्लेन में, एक्स और माइनस वाई प्लेन में कहाँ होगा? तो देखो बेटा ध्यान से, ये आधे प्लस क्यू की वजह से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर। इसका ये वाला कंपोनेंट होगा k लैम्डा बाई आर और ये कंपोनेंट होगा k लैम्डा बाई आर। ये इस आधे की बात होगी, इस वाले आधे की बात करोगे तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसका दो कंपोनेंट होगा, तो इसको मिटा ही दो यार, इसका दो कंपोनेंट बोलो, इस तरफ k लैम्डा बाई आर और ऊपर की तरफ k लैम्डा बाई आर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फील्ड इस लाइन में बनेगा E इज इक्वल टू k लैम्डा बाई आर प्लस k लैम्डा बाई आर, तो बोलो क्या होगा? 2k लैम्डा बाई आर, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है बेटा, समझ आ रही है बात? नेक्स्ट देखो, मान लो इस पोर्शन में पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चलो समझ में आ गया सर। अच्छा, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा जीरो। सर ऐसा क्यों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो क्यों होगा? भाई साहब ध्यान से समझिए, तो ये वाला प्लस का रीजन और ये वाला प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? देखिए बेटा, अब लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा। यहाँ से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है जो कि इस लाइन से ए डिस्टेंस अपार्ट है। तो डेरिवेशन हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ये मान लो अल्फा, ये मान लो एंगल बीटा है, यही है, फाइनाइट लाइन है, फाइनाइट रॉड, फाइनाइट रॉड। इस फाइनाइट रॉड की वजह से ए डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो जब हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे होंगे तो लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, इसकी वजह से फील्ड कैसे लिखेंगे? तो जब आप फील्ड की वैल्यू लिखेंगे तो ध्यान से देखिए फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उस पर पहले डिस्कस करते हैं,
फिल का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, थोड़ा सा सुनना अच्छे से। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर तरफ निकलेगा। अच्छा दो कर दिए तो सर, दो कर दोगे तो ऐसे कुछ निकलेगा, तीन कर दिया तो सर तीन कर दोगे तो कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसा होगा। अच्छा चलो चार कर दिया तो सर चार कर दोगे तो कुछ ऐसा होगा। मतलब यहाँ पे बीच वाला पोर्शन में देखोगे तो चार फील्ड कर दोगे तो कुछ ऐसा पैटर्न होगा, यहाँ से ऊपर और नीचे तो नहीं निकल रहा होगा। अब लाइन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, तुम ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, तो ये फील्ड यहाँ से ऐसे थोड़ा सा बीच वाले पोर्शन में सीधा होता जाएगा, है ना। तुम यहाँ मान लो देख रहे हो, तो अगर तुम इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक चार्ज हो, इस पॉइंट पे देखते हो, तो तुम्हें ऐसे फील्ड निकलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे फील्ड लाइन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। एग्जैक्टली मिड में देखोगे तो लाइन एग्जैक्टली अवे होगा, यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, तो ऐसे फील्ड लाइन बाहर निकल रहा होगा डाइवर्जिंग, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज से डाइवर्जिंग होता है, तो ऐसे निकलेगा कुछ, ऐसे निकलेगा कुछ, सीधा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली तुम फील्ड देखोगे एग्जैक्टली मिड में तो इधर होगा, लेकिन ये मिड तो नहीं है, अल्फा और बीटा सेम तो नहीं है। तो यहाँ पे फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में आ सकता है, डिपेंड करता है अल्फा और बीटा की वैल्यू पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्जैक्टली जो वैल्यू होगा यहाँ पे होगा ई इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जे के। माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, माइनस लिखने का रीजन बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ये है तुम्हारा आई कैप वाला कंपोनेंट और ये है तुम्हारा जे कैप वाला कंपोनेंट। अब मान लो अल्फा और बीटा सेम है, एग्जैक्टली अल्फा और बीटा सेम है तो मिड में आएगा पॉइंट, एग्जैक्टली ऊपर और नीचे से मिड मिड में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर की तरफ है, वाई वाला कंपोनेंट जीरो हो गया, और वाई वाला कंपोनेंट कैसे जीरो होगा, जब अल्फा और बीटा को इक्वल रखा, देखो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल हो गया ना, तो जे वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आता है माइनस और यहाँ पे आता है प्लस। सर ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन आई में साइन क्यों है और जे में कॉस क्यों है, इसका भी रीजन मैं समझाता हूँ। मान लो इन्फाइनिटली लार्ज रिंग है ये, सॉरी रॉड, इन्फाइनिटली लार्ज रॉड है, तो अल्फा और बीटा दोनों हो जाएगा 90, और अल्फा और बीटा अगर दोनों 90 हो गया तो यहाँ पर माइनस रखोगे तो साइन 90 साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 1 1 माइनस 1 जीरो, और यहाँ पे कॉस 90 कॉस 90 वैसे ही कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो नेट फील्ड जीरो आ गया। लेकिन एक फाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं आता। तुम नहीं समझे लॉजिक, लॉजिक समझना। मान लो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 रख दो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन यहाँ में अगर तुम कॉस रख दो और इसमें साइन रख दो तो फील्ड जीरो आ जा रहा है। रखो ना अल्फा और बीटा को 90 रखो, यहाँ पे कॉस रखो, चलो कॉस रखो यहाँ पे, बोलो कॉस 90 बोलो सर जीरो, कॉस 90 बोलो सर जीरो, अच्छा साइन 90 बोलो सर 1, यहाँ पे साइन 90 बोलो 1, अल्फा बीटा दोनों 90 तो 1 माइनस 1 जीरो, और ये जीरो पहले ही हो गया, खत्म खत्म। तो एक्सचेंज कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आई वाले में साइन आता है और एक्स वाले में कॉस आता है। क्लियर है ये बात, स्क्रीन पॉज करके ढंग से लिखिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो सवाल मैंने बनाया है, इस 1/4 रिंग पे रख दिया पॉजिटिव चार्ज और इसके जस्ट अपोजिट 1/4 रिंग पे रख दिया नेगेटिव चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा, रेडियस है इसका आर, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा अभी अभी आपने निकाला था वो इस तरफ होगा, और इसकी वजह से जो फील्ड होगा एक्जैक्टली इस तरफ होगा। तो नेट फील्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे ई नेट हो जाएगा 2 × E, और ई की वैल्यू जो ये फील्ड देगा वो, इसकी वैल्यू अभी निकाला था अपन ने, क्या था बोलो याद करके, वो था सर रूट 2 के लैम्डा बाई आर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2√2 के लैम्डा बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इससे कॉम्बिनेशन पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं साहब। देखिएगा प्लस 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 हाँ प्लस 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 लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे रख दिया बेटा माइनस रेडियस आर, तो बताइए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब इस सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको कि सर एक तो ये 1/4 रिंग हो गया चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा और सर ये हो गया 3/4 रिंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, नेट फील्ड निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। यहाँ पे आप चाहे तो सुपर पोजिशन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। एक्जैक्टली इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये सिस्टम को इक्वेलेंटली ये बना सकता हूँ क्या मैं, देखो सर सर गलत कर रहे हो सर, इधर पूरे पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है सर, आपने क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, देखो क्या किया मैंने, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज मान लिया, कैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक नेट पॉजिटिव और नेट निगेटिव दोनों माना है। तो ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव माना और उतना ही मैंने यहाँ पर निगेटिव माना, और ये निगेटिव पहले से था। सर ये क्या कर दिया आपने, सुनो क्या किया, 3/4 पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, 3/4 पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था,
यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ जितना निगेटिव माने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है, सेम बात है। अब ये जो बीच में प्लस 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 दिख रहा है, इसकी वजह से नेट फील्ड हो जाएगा जीरो, और ये माइनस माइनस की वजह से इसकी तरफ नेट फील्ड आ जाएगा, ई इज इक्वल टू टू रूट टू के एल एम डबल आर। तो चाहे तुम ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, एक ही बात है। बताओ समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लेमडा लेमडा लेमडा, यहाँ पे अपने को क्या करना है, फील्ड निकालना है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इससे अवे होगा। एक तो बात समझ आई, ठीक है सर समझ आई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, इसके वजह से होना चाहिए टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू, ठीक है, क्योंकि रेडियस आर, चार्ज डेंसिटी लेमडा और थीटा एंगल है। इसके वजह से क्या होगा सर, इसके वजह से सेम होगा टू के लेमडा बाई टू आर साइन थीटा बाई टू। सर इसके वजह से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया थ्री आर, चार्ज डेंसिटी तो लेमडा ही है, ये होगा टू के लेमडा बाई थ्री आर साइन थीटा बाई टू। ये सवाल करके मजा आया कि मजदूरी लगा आपको, आपको ऐसा लगा सर ये मजदूरी करा रहे हो आप, लेकिन ये ऐसे सवाल करने जरूरी है। अच्छा देखो, अगर मैं इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड मानूं, तो इनफाइनली चार्ज रॉड का मतलब हो गया कि एक ऐसा चार्ज रॉड जिसका ना तो इस एंड का पता है ना ही इस एंड का पता है। बताओ इसको तुम इनफाइनाइट मानोगे कि फाइनाइट मानोगे, बोलो इस चौक को, बोलो तुम्हें लग रहा हो फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट हो सकता है, कैसे सर, ये ले आँख के पास रख दो, अब बताइए इसका लेंथ कितना है, बताना, जितना दूर रखूंगा तो लेंथ कम होगा। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, वो कंपेरेबल होता है। ये फाइनाइट होगा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जैक्टली इसके एकदम वन नैनोमीटर वन सेंटीमीटर सॉरी वन मिलीमीटर पे निकालू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो तो फाइनाइट होगा। यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों यहाँ से बहुत ऊपर से और ये बहुत नीचे से जो एंगल बनेगा अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू 90 बनेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में ये होगा के लेमडा बाई आर इंटू टू आई कैप, आई कैप की डायरेक्शन में बचेगा, जे वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर वैल्यू बराबर भी अल्फा बीटा बराबर है, दोनों 90 है। तो ये है इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से फील्ड टू के लेमडा बाई आर। आपको नहीं लग रहा एक्सप्रेशन सेम एज हाफ रिंग, हाफ रिंग सेम एज हाफ रिंग, तो जैसा हाफ रिंग का होता है वैसा ही ये होता है, जैसा हाफ रिंग का फील्ड होता है वैसा ही आता है। क्लियर है क्या ये बात। सेमी इनफाइनाइट की अगर अपन बात करें, सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड का मतलब क्या होता है, जिसका एक एंड आपको पता हो कि यहां है और दूसरा एंड इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे, ये चार्ज डेंसिटी है इसका प्लस लैम्डा, इससे साहब ए डिस्टेंस पे हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन कंसेप्ट यूज करेंगे सेमी इनफाइनाइट का। बताओ यहां पे जब इसी एंड का एंगल देखोगे अल्फा जीरो और बीटा 90, अल्फा जीरो एंड बीटा 90, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू होगा के लेमडा बाई आर साइन अल्फा। अब भी सही बात है कि मैग्नीट्यूड बुद्धि से निकालो और सॉरी मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से निकालो और डायरेक्शन बुद्धि से निकालना। तो बताओ के लेमडा बाई आर साइन अल्फा हो जाएगा जीरो और साइन बीटा बचेगा एक, तो ये बचेगा तुम्हारा आई कैप साइन बीटा वन प्लस के लेमडा बाई आर, अरे आर डिस्टेंस आर टू जे कैप। अब ये माइनस ये होगा कि प्लस ये होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा लॉजिकली सोचो ये इन्फाइनेटली लार्ज नहीं है, सेमी इन्फाइनेटली लार्ज है, आधा ही है इन्फाइनाइट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरफ होगा, तो पीछे और नीचे सॉरी आगे और नीचे, आगे का मतलब प्लस और नीचे का मतलब माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का अगर मैं सवाल बना दूँ, ये हो गया तुम्हारा सेमी इन्फाइनेटली लार्ज रॉड, ये हो गया तुम्हारा सेमी इन्फाइनेटली लार्ज रॉड, यहाँ देखो चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे फील्ड बताओ कितना होगा। अब बुद्धि से निकालना होगा तुम्हें, यहाँ पे ये हाफ रिंग है, हाफ रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसको प्लस ही मान लेता, अभी क्या मान लिया माइनस मान लिया, तो इस तरफ होगा और ये होगा टू के लेमडा बाई आर। इसकी वजह से जो फील्ड आएगा बेटा ध्यान से देखो, ये के लेमडा बाई आर आई और ये माइनस के लेमडा बाई जे, मतलब इसकी वजह से जो फील्ड होगा इससे दूर और इससे दूर इधर, इसके वजह से जो फील्ड होगा के लेमडा बाई आर इधर और के लेमडा बाई आर ऊपर, तो इस आधे की वजह से टू के लेमडा बाई आर, आर रेडियस, ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, इस आधे का इधर के लेमडा बाई आर, इस आधे का के लेमडा बाई आर, तो नेट फील्ड हो जाएगा तुम्हारा 4k लेमडा बाई आर। इस आधे का वजह से बताया था हाफ रिंग का होता है 2k लेमडा बाई आर, इस आधे का k लेमडा बाई आर ऊपर, इस आधे का k लेमडा बाई आर ऊपर, तो क्या होगा 4k लेमडा बाई आर। सर इसका मतलब ये हुआ कि
इस हाफ रिंग का 2 KLMWR था और ये हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन था। अगर मैं ऐसा सवाल बनाऊं कि ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये जो फील्ड ऊपर कर रहे हो नीचे की तरफ आ जाता इस हाफ रिंग का, तो नेट फील्ड हो जाता 0, बिल्कुल नेट फील्ड यहाँ पे हो जाएगा 0। समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके इसको ढंग से लिखे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, बढ़िया सवाल है। ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी इनफाइनाइट, दिस सेमी इनफाइनाइट और 1/4 रिंग का कॉम्बिनेशन बचा। इसकी वजह से जो फील्ड होगा ये समझिए, ये होगा इससे ऊपर और पीछे के लैम्डा बाय आर। इसकी वजह से जो फील्ड होगा ये देखो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे आगे और नीचे। सर इसका मतलब तो ये और ये और ये और ये कैंसिल हो गया। हाँ तो हो गया, समझ भाई समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से निकालो, डायरेक्शन बुद्धि से निकाले यार। पता ये प्लस 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 है, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो इन्फाइनिटली लास्ट डिस्टेंस तक ये रॉड है, तो बाहर ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, और जैसे जैसे एंड पे आओगे तो इसके वजह से जो फील्ड होगा ना साहब, इसके वजह से जो फील्ड होगा ना, ये इससे दूर और इससे दूर, क्योंकि पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब यहाँ पे एंड हो गया, तो इससे दूर ऐसे जाएगा तो ऊपर और पीछे, इसके दूर आगे और नीचे, तो कैंसिल हो गया सब कुछ। तो फिर बचा क्या? इसका नेट फील्ड बचेगा, इसका इधर बच जाएगा तुम्हारा 2√2 KLMWR। सर ये तो नहीं आया था यार, 2√2 KLMWR आएगा क्या? याद करो π/4 की वजह से √2 KLMWR आएगा। बे रामलाल फॉर्मूला याद कर, 2 KLMWR साइन π/4, तो 2 KLMWR 1/√2, तो √2 KLMWR बचेगा। देखो ये सेमी इन्फाइनाइट, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, लेकिन ऊपर इन्फाइनाइट तक गया है। यहाँ पे फील्ड बताओ, बहुत आसान है। इसके वजह से नीचे और आगे, इसके वजह से इसकी तरफ और इसकी तरफ, ये और ये कैंसिल, ये फील्ड बचेगा तुम्हारा नेट E=2 KLMWR। बुद्धि से लगाओ, फॉर्मूला लगाओगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे प्लस माइनस में, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओगे एकदम सही सॉल्व होगा। चलो इधर देखो, इसके वजह से फील्ड बताओ सेंटर पे क्या होगा, ये इन्फाइनिटली लास्ट डिस्टेंस तक गया, ये भी इन्फाइनिटली लास्ट डिस्टेंस तक गया है, क्या सॉल्व कर लोगे? अरे भाई साहब बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन पे सवाल पूछ सकते हैं, आपको बस बुद्धि लगा के सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर है? अच्छा एक बढ़िया सवाल पूछ रहा हूँ, देखो एक इन्फाइनिटली लार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, क्या साहब लैम्डा, इससे ए डिस्टेंस अपार्ट एक माइनस की और एम चार्ज का पार्टिकल रख दिया, ठीक है ना, और उसको वी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया और ये घूमने लगा सर्कुलर पाथ में, तो वेलोसिटी बताओ कितना होना चाहिए इसका ताकि सर्कुलर पाथ में घूम जाए। तो जैसे ही तुम सर्कुलर पाथ में इसके परपेंडिकुलर घुमाओगे, तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए इस पर सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए MVA²R, और इसको प्रोवाइड कौन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये माइनस चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा। सर यहाँ पे फील्ड क्या होगा? तो अगर ये इन्फाइनेटली लार्ज है तो 2 KLMWR, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q·E, तो फोर्स हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा MVA²R Q·2 KLMWR। सर ये तो फील्ड है, चार्ज भी तो लिख दिया Q, यहाँ से R कैंसिल, M तो कैंसिल नहीं होगा, V=, आ जाएगा तुम्हारा √2 Q·K λ/M। सर इसमें क्या खास बात है, तो हम सॉल्व कर लेते बेटा। खास बात यह कि वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ए, ये रेडियस। अब तुम कितने रेडियस में फेंक रहे हो तो उसके प्रोपोर्शन में कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, ये रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स में नीचे आर और इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे आर, तो आर से आर कैंसिल हो गई, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आर। बहुत ज़बरदस्त बात हो गई है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इस पर एक और बढ़िया सवाल पूछते हैं कि मान लो इन्फाइनाइट लार्ज, लिख देता हूँ इन्फाइनिटली लार्ज एक रॉड है, इन्फाइनिटली चार्ज, सॉरी इन्फाइनिटली लार्ज रॉड है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक रख दिया मैंने ऊपर पॉइंट माइनस क्यू चार्ज ना प्लस क्यू चार्ज और एम मास का पार्टिकल, ये इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा सा ऑसिलेट डिस्टर्ब करके छोड़ दूंगा, थोड़ा सा नीचे ला के छोड़ दूंगा, ये ऑसिलेशन शुरू कर देगा, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। बहुत ईजी है निकालना, बहुत ईजी है निकालना, ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे आपको कराए हैं, समझ आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए।
नेक्स्ट देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? व्हेन टू चार्ज पार्टिकल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो चार्ज पार्टिकल जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब दो चार्ज पार्टिकल को प्लस क्यू को और माइनस क्यू को, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका नेट चार्ज जीरो हो, यही कहना चाह रहा है क्या? जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज को रखूंगा तो उसका नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। तो याद रखिएगा, कहीं पे अगर डाइपोल बन रहा तो उसका नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, ठीक है सर? उसको बहुत ही एक छोटे से स्मॉल डिस्टेंस में रख दिया तो ये डाइपोल फॉर्म करता है। इसको क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे भाई, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज पॉइंट चार्ज को तुम पास में चिपका दिया और बोल दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, क्या खास बात है इसमें यार? तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो एक मैं प्लस की और माइनस की चार्ज रख दूँ, सॉरी प्लस की और प्लस की चार्ज रख दूँ, बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? सर, सेंटर पे। बिल्कुल सही बात है, सेम नेचर का है और सेम मैग्नीट्यूड है तो बीच में आएगा। अच्छा, माइनस क्यू सर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अच्छा, प्लस फोर क्यू और प्लस क्यू कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अच्छा, माइनस फोर क्यू प्लस क्यू कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? सर यहाँ पे जीरो होगा। बोलो, प्लस क्यू माइनस क्यू कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? कहीं नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो सर, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे इसकी तरफ, इससे दूर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो नेट फील्ड इस तरफ आएगा। यहाँ भी जीरो नहीं और बीच में तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो जब बहुत सारे मतलब पॉइंट चार्जेस के कॉम्बिनेशन को देखा गया इक्वल पेयर में रख के, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू फोर क्यू क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। पहला ऐसा कॉम्बिनेशन आया प्लस क्यू और माइनस क्यू जिसके वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। और जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को ध्यान से देखा गया तो इसमें खास बात थी। तो इन सब कॉम्बिनेशन में खास बात नहीं था, लेकिन इसमें खास बात था, इसीलिए इसको एक नए टॉपिक में लेके हम पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, एक डोमिनेटिंग और अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये कॉम्बिनेशन ही अलग था, इसलिए इस कॉम्बिनेशन का नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या फील आया तुम्हें? ये प्लस क्यू और माइनस क्यू से क्यों बनाते इलेक्ट्रिक डाइपोल? प्लस की क्यों नहीं बन सकता इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्योंकि उसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं, इसमें ये अलग है, सबसे अलग था, इसलिए हमने इसको पढ़ा। और इसका एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने बोला कि ये होगा पी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू क्यू इन टू एल। लेकिन खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज प्रोपोर्शनल टू एल, बट आइडियल डाइपोल जो होगा ना उसको बोलते हैं जहाँ पे एल बहुत छोटा हो, एल टेंस टू जीरो, एल बहुत स्मॉल हो, उसको हम आइडियल डाइपोल कहते हैं। तो ये तो बड़ा कंट्रेडिक्टरी बात हुआ। इसका मतलब हम चाहते हैं कि डाइपोल मोमेंट कम हो, क्योंकि एल बहुत छोटा रखोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पी बहुत कम होगा। तो नहीं, हम ये नहीं चाहते पी बहुत कम हो, हम बढ़िया डाइपोल बनाने का मतलब हम ये चाहते कि पी ज़्यादा हो, लेकिन हम साथ साथ में ये भी चाहते कि एल बहुत कम हो। सर ये क्या बात हुई, कभी तुमने ये सोचा? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुम मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू को बहुत दूर रख दोगे तो इनके कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनेगा उसमें मज़ा नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। ये अकेला प्लस क्यू यहाँ रख दे, यहाँ पे प्लस क्यू रख दे और जाके दिल्ली में माइनस क्यू रखा, तो दोनों के बीच में मज़ा ही नहीं, इंट्रैक्शन ही नहीं होगा। और जितना पास रखोगे ना उतना बढ़िया पैटर्न बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसलिए इन्होंने बोला कि आइडियल डाइपोल की कहानी तभी होगी जब ये बहुत पास होंगे। सर पास होंगे तो मिला ही दो, जब एक दूसरे को मिला ही देगा तो नेट चार्ज ही जीरो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो पास होने चाहिए लेकिन टच नहीं करना चाहिए। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू क्यू एल वेक्टर होगा। ये वेक्टर है क्या बेटा? वेक्टर है, वेक्टर तो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन बिल्कुल होता है डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इसका डायरेक्शन होता है बेटा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है इसका डायरेक्शन। बहुत बढ़िया सर, ये भी चलो ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा कूलाम, कूलाम मीटर, ऐसा यूनिट होगा कूलाम मीटर। सर इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन बहुत ही मज़ेदार है हो इसका। चार्ज का क्या होता है? एटी, तो एल ए टी, एल वन ए वन टी वन। सर ए क्या? एम्पियर, फिर फंडामेंटल है टाइम लेंथ, एम्पियर टाइम, ये है इसका डायमेंशन। समझ आया थोड़ा सा? बताओ, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसका नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो, ये इंपॉर्टेंट है। वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला वैल्यू होता है क्यू इंटू एल, मैग्नीट्यूड क्यू इंटू एल, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। आइडियल डाइपोल हम उसको कहते हैं जिसमें ये लेंथ बहुत छोटा हो, तभी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न का मजा आता है। तो अब हम सवाल करेंगे कुछ डाइपोल मोमेंट निकालने वाले।
मान लो यहाँ पे प्लस टू क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, ये डिस्टेंस है बेटा ए और ये भी डिस्टेंस है ए, एल कर दो यार तब मजा आएगा, एल कर दो। अब इसका डाइपोल मोमेंट बताओ क्या होगा, ध्यान से सुनना। प्लस क्यू ये माइनस क्यू प्लस टू क्यू माइनस क्यू प्लस टू क्यू, तो आप क्या करेंगे प्लस टू क्यू को क्यू और क्यू लिखे, क्यू और माइनस क्यू का फील्ड इधर जाएगा, सॉरी डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा और माइनस क्यू और क्यू का इधर डाइपोल मोमेंट आएगा। पी और पी 90 डिग्री पे बनेंगे रूट टू पी, तो इसका पी नेट आएगा रूट अंडर टू पी और इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर टू पी की वैल्यू क्यू इंटू एल, ये हो जाएगा क्यू इंटू एल, ये बनेगा फील्ड, सॉरी डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा इसमें खूब सारे अच्छे सवाल बनते हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल पे यहाँ पे रख दिया माइनस टू क्यू चार्ज, यहाँ पे रख दिया क्यू, यहाँ पे रख दिया क्यू, साइड लेंथ ए, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ, ये तुम्हें खुद कैलकुलेट करना चाहिए रूट थ्री क्यू ए। सर ये क्या किया आपने, देखो क्या किया, मैंने कहा कि माइनस क्यू से प्लस क्यू तक एक बनेगा और माइनस क्यू से प्लस क्यू तक एक बनेगा, ये पी ए पी और एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे क्यू ए क्या होगा रूट थ्री क्यू ए, क्यू ए क्यू ए रूट थ्री क्यू ए। अच्छा देखो सर्कल बना लिया और सर्कल पे यहाँ चार्ज रख दिया अपन ने क्यू, यहाँ चार्ज रख दिया क्यू, यहाँ चार्ज रख दिया माइनस क्यू, यहाँ चार्ज रख दिया माइनस क्यू, इसका डाइपोल मोमेंट बताओ क्या होगा। अरे यार ये क्या होगा, एक इधर होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, एक माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इधर होगा, डिस्टेंस होगा 2r, इसका भी डिस्टेंस 2r होगा अगर रेडियस r कहते हो तो। सिंपल है यार ये तो, ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा सवाल कराता हूँ, चलो मान लो कि एक लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है q और इसका लेंथ है साफ, यहाँ से a डिस्टेंस पे एक माइनस q चार्ज रख दिया, क्या रख दिया माइनस q, क्या डाइपोल मोमेंट बना रहे हैं? हाँ, हर वो सिस्टम जहाँ पे नेट चार्ज जीरो हो वो डाइपोल मोमेंट बनाता है, तो ये प्लस क्यू और ए माइनस क्यू डाइपोल मोमेंट बना रहा है, इसका डायरेक्शन किधर होगा माइनस से प्लस क्यू की तरफ, बट इसकी वैल्यू क्या होगी तो दो तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करो, एक छोटा सा डी क्यू चार्ज मान लो और माइनस क्यू के साथ इसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखो एल इंटू डी क्यू और फिर उसका इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक कर दो। जब इंटीग्रेशन करा मैंने बहुत सारे सिस्टम का, तो मुझे ये समझ में आया कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसका सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ चार्ज मान लेता हूँ इसको बीच में, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे सेंटर ऑफ चार्ज मान लो, सेंटर ऑफ चार्ज, और वहाँ से इसका डाइपोल मोमेंट लिख लिया जाए ए प्लस, यहाँ से एल पूरा है तो एल बाई टू और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस क्यू, तो ये डाइपोल मोमेंट आ जाएगा क्यू इंटू ए प्लस एल बाई टू, मतलब दोनों में से एक ही का मैग्नीट्यूड ही तो लेते हैं ना क्यू, सर ये कौन सा चार्ज है तो प्लस क्यू माइनस क्यू किसी का मैग्नीट्यूड ले लो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। इसका मतलब तो फिर मजे ही आने वाले हैं, अगर मैं रिंग बना लूँ और इस रिंग पे ऊपर रख दूँ मैं माइनस 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 और नीचे रख दूँ प्लस 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 प्लस, ये है तुम्हारा माइनस लेमडा, ये है प्लस लेमडा। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये क्या, ये डाइपोल मोमेंट बनाएगा, चलो माइनस क्यू और प्लस क्यू मान लो, क्या डाइपोल है ये? हाँ बिल्कुल है, माइनस से प्लस की तरफ होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ से 2r बाई पाई पे, इसका होता है 2r बाई पाई पे, तो p इज इक्वल टू होगा 4r बाई पाई इंटू क्यू, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। क्लियर है क्या? स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज को 2a डिस्टेंस पर रख दिया तो डाइपोल बना रहा है, जिसका डाइपोल मोमेंट होगा p वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज q एंड टू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, तो 2qa, 2qa। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर 2 कैसे आया यहां पे, हमने तो q इंटू ए पढ़ा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने बस इतना पढ़ा है डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, दैट्स इट। अच्छा सर, आइडियल है या नॉन आइडियल, डिपेंड करता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकाल रहा हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत r डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो ये a बहुत छोटा होगा, r बहुत बड़ा है, तो ये आइडियल होगा। और अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं जहां पे r और a कंपेरेबल है, तो ये नॉन आइडियल होगा। एक ही डायोड आइडियल और नॉन आइडियल दोनों की तरह बिहेव करता है। चलिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालना है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये एक्सियल लाइन है, ये डाइपोल की एक्सिस है। यहां पे ये डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब ये है कि माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ ही होगा, ऐसा होगा, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू का होगा उतना ही माइनस क्यू का होगा। सर ये नहीं आया,
क्योंकि बेटा एग्जैक्टली सेंटर से आर डिस्टेंस पे लिया है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। ये कितना है सर, तो देखो ये आर और ये आपका हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो चार्ज क्यू और रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चार्ज क्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इससे अवे, जस्ट इसके टूवर्ड्स। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एंगल मान लो यहाँ पे थीटा, तो ये भी होगा थीटा, तो ये भी होगा थीटा। सर ये दोनों थीटा क्यों होंगे, तो थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम है, तो सेम ही एंगल है, ये थीटा तो ये थीटा। तो ई का दो कंपोनेंट होगा, ऊपर ई साइन थीटा और नीचे ई साइन थीटा, देखो ना ई का ई साइन थीटा, इस ई का ई साइन थीटा, तो इस इन दोनों ई का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा टू ई कॉस थीटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा टू ई कॉस थीटा। क्लियर है बेटा, समझ आया ये बात। अब यहां पे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, e की वैल्यू क्या होगा, तो सर k q बटा डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज a, a अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और यहां पे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, एक बार और लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आया है वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2KQA, है ना, 2KQA बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आपको नहीं लग रहा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाला है रिंग में भी ऐसा ही निकाला था हमने, बिल्कुल सही बात है, रिंग में भी ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, याद करिए। अब एक माइनस साइन लिख देता हूँ, सर माइनस साइन नहीं समझ आया बेटा, ये ए इस तरफ है पोजिशन वैक्टर, ए डाइपोल मोमेंट का, डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे आया नेट, इधर देखो ये तेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको माइनस से लिख देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डायमेंशनली करेक्ट है, तो 2KQA मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो के क्यू एक डिस्टेंस है तो नीचे डिस्टेंस आना चाहिए 3, तो देखो डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर पावर 3/2, तो डिस्टेंस का स्क्वायर और बाय 1/2 कैंसिल होगा, क्यूब होगा डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब ये डिस्टेंस कैंसिल होगा, तो डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, अच्छे से डायमेंशनली करेक्ट है। सर इसको लॉजिकली थोड़ा समझाओ, लॉजिकली समझाओ, तो लॉजिकली अगर समझने की कोशिश करोगे तो कोई भी ऐसा टर्म, यहाँ पे अगर मैं ए को जीरो रखता हूँ नेट यहाँ पे, सॉरी ए को तो जीरो रख ही नहीं सकते, तो डायपोल के बीच की डिस्टेंस है, आर को जीरो रखता हूँ, आर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे जब R जीरो रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, ढंग से सोच के बताओ, 2KQA इसका, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, R को जीरो मान लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगा, इसके साथ टुवर्ड्स और इससे अवे, क्या आएगा 2KQA2। देखो R को जीरो रखो, जैसे ही R को जीरो रखोगे बेटा ये स्क्वायर और ये 2 कैंसिल होगा, ए क्यू और ए से कैंसिल होगा, ए स्क्वायर 2KQA2। ये लॉजिकली वेरीफाई हुआ ना, कि मान लो ये 0.0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.0 निकालूं तो के क्यू 2KQA2 आना चाहिए था, यहाँ से लॉजिकली हमने देखा, निकाल के देखा, जब फॉर्मूले से देखा तो भी आ रहा है, ओके सर ठीक है। और आपको मैंने बोला था कि अभी दो पॉइंट चार्ज रखें तो उसको रिंग सिमेट्री से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, सर मैग्नीट्यूड तो वही, हाँ मैग्नीट्यूड चार्ज वही है, लेकिन अपोजिट नेचर का चार्ज हो गया, ठीक है ना, सिस्टम डाइपोल बना रहा है, नेट चार्ज इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन तो एक्जैक्टली मैच कर रहा है, देखो दो चार्ज हैं तो टू, ये पूरा समझाया था मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर नंबर 4 में, रिंग सिमेट्री, दो चार्ज है तो देखो 2KQA बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है, अब सुनो ध्यान से, अगर ये आइडियल डाइपोल होगा तो सर क्या हो जाएगा, अगर आइडियल डाइपोल है, आइडियल डाइपोल का मतलब क्या होता है, आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल मीन्स A इज वेरी वेरी लेस देन आर, ए बहुत छोटा है, अगर A बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा, यार स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, आर क्यूब बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका 2KQA। अच्छा डाइपोल मोमेंट 2QA, 2QA को डाइपोल बोल सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट P बोल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस P वेक्टर इंटू A, देखो ये सॉरी इंटू क्यू, क्यू नहीं के 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 पी, और ये हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर, बहुत बड़ा है तो आर क्यूब बच गया था, आर क्यूब, तो के पी बटा आर क्यूब माइनस के पी बटा आर क्यूब, माइनस क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पीछे है और डाइपोल मोमेंट आगे है, कंपेयर करोगे तो यह आ जाएगा माइनस के पी बाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। अब सुनो,
ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे मान लो यहां से कहीं आर डिस्टेंस पे यहां पे निकालते हो, तो यहां पे आर डिस्टेंस पे निकालोगे तो यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगी ये टोटल आर, तो यहां से यहां तक ए था तो ये आर माइनस ए बचेगा, और यहां से डिस्टेंस देखोगे तो यहां से यहां तक ए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हो जाएगा आर प्लस ए। तो माइनस क्यू की वजह से फील्ड इसकी तरफ आएगा, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। पहले इसको समझो अच्छे से, आर माइनस ए का होल स्क्वायर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? देखो यहां से डिस्टेंस सेंटर से आर और ये खुद ए है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर माइनस ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? पॉजिटिव चार्ज का, इससे अवे होगा, इसका पीछे होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जब इसको ऐड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टर्म बनेगा के क्यू तो तुम्हारा बाहर आ जाएगा और यहां पे एलसीएम लोगे तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो रहने ही दो, होल स्क्वायर को रहने दो, बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस आर माइनस ए आर प्लस ए, तो हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में किस चीज का फर्क है? सर डायमेंशन का, प्लस माइनस का। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 है, यह है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर का स्क्वायर, डिस्टेंस का पावर 4। अगर डिस्टेंस का पावर 4 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो दो डिस्टेंस ऊपर आने चाहिए। और देखो दो डिस्टेंस इसमें क्यों आ जाता है ऊपर, जब इसको यहां रखोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, इसको यहां रखोगे माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर का टर्म होल स्क्वायर में ऊपर कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेके, बचेगा क्या? सर बचेगा 4RA ये बचेगा, तो आर भी आया ए भी आया, यहां पे क्या आया था ऊपर सिर्फ ए, आर वाला टर्म ऊपर नहीं, देख आर वाला टर्म ऊपर नहीं, आर वाला टर्म सिर्फ नीचे है, लेकिन यहां पे आर और ए दो डिस्टेंस ऊपर आए हैं, आने भी चाहिए थे, आने भी चाहिए थे। क्यों सर क्यों आने चाहिए थे? इसलिए आने चाहिए थे क्योंकि नीचे देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का पावर 4 है तो ऊपर दो डिस्टेंस आने चाहिए थे। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, लॉन्ग डाइपोल। आइडियल डाइपोल की बात करोगे, यहां पे देखना आइडियल डाइपोल की बात करोगे तो सबसे पहले देखो ये 4 का 2 बाहर निकालो, 2QA, देखो 2QA को P लिख लेंगे तो जाएगा 2K, एक 4 था ना तो एक तो 2 बच गया, 2K P R, ये R रह जाएगा एज इट इज, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी तो लॉन्ग डाइपोल के लिए लिखा है, अब आइडियल डाइपोल के लिए लिख लो एक बार और, तो R बहुत बहुत बड़ा होगा A से, मतलब डाइपोल छोटा होगा, A छोटा होगा तो एक स्क्वायर और छोटा होगा, तो R का पावर 4 और ऊपर एक R है, R का पावर 4 ऊपर एक R है, तो R क्यूब बचेगा, तो ये बचेगा तुम्हारा 2 KP बाई आर क्यूब। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर लगाओगे तो यहाँ भी वेक्टर लगाओ, अब ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ज़्यादा होगा, माइनस की वजह से पीछे कम होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2 KP बाई आर क्यूब, ये आया है KP बाई आर क्यूब। यह है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन, इक्यू लिख देता हूँ और ये एक्स ए एक्स लिख देता हूँ, एक्सियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब रेशियो निकालोगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, तो यह आ जाएगा बेटा -2 इक्वेटोरियल -1/2। सर माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन एग्जैक्टली कैसा है? अपोजिट है। इस एक्सिस पे कहीं भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली डाइपोल के डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे कहीं भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे पीछे आएगा, इस वजह से ऐसा आया है। क्लियर है यहाँ तक? समझ आया? नेक्स्ट देखिए, ये जो अपन ने डाइपोल बनाया, अगर ये आइडियल डाइपोल बना ले पी वेक्टर, अब आपसे इससे एक्सियल लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। सबसे पहली बात, कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपको दो चीज़ें मैं बताता हूँ, दो चीज़ें बताता हूँ, बच्चा इसको बार बार रटता है, बार बार बोलता है, दो चीज़ें बताता हूँ। डायमेंशन का ख्याल रखो, दूसरी बात रिंग सिमेट्री का यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, सिमेट्रिसिटी रिंग सिमेट्री जैसा थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, एक्जैक्टली रिंग जैसा नहीं दिख रहा क्योंकि रिंग सिमेट्री यहाँ लगा ही नहीं सकते, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, सेम चार्ज होता है तब लगा सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्लस क्यू माइनस क्यू तो अपोजिट हो जाएगा ना यार, नेट चार्ज जीरो ही हो जाएगा। सुनो ध्यान से, तुम्हें ये सोचना है कि एक्सियल लाइन पे चाहे डाइपोल का निकालो, रिंग का निकालो, या स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रख दो, ट्रायंगल के कॉर्नर पे चार्ज रखो, नीचे वाला टर्म में आता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, पावर 3/2 मतलब नीचे तीन डिस्टेंस है तो ऊपर एक ही डिस्टेंस आना चाहिए, और एक डिस्टेंस लिखूंगा और फिर मुझे डाइपोल के टर्म से कन्वर्ट करना है तो वही डिस्टेंस आएगा जो डाइपोल मोमेंट में आता ए, वही डिस्टेंस आएगा जो डाइपोल मोमेंट में आता ए। बताओ शानदार लॉजिक लगा कि नहीं? होता मैं क्या कह गया तुम समझ पाए? कि ऊपर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2,
मतलब नीचे स्क्वायर और 3/2, तो डिस्टेंस का क्यूब है। अब नीचे डिस्टेंस का क्यूब है और इस लाइन के परपेंडिकुलर कहीं जाके मैं फील्ड निकाल रहा हूँ, तो डाइपोल मोमेंट के टर्म से कन्वर्ट करना ही है। नीचे तीन डिस्टेंस, ऊपर एक डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस कौन सा आएगा जो डाइपोल मोमेंट में, तो ए आएगा। देखो तो 2KQA बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। देखो 2KQA आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, गलत भी लिखोगे उसको तुम ठीक कर लोगे। अच्छा सर एक मिनट रुको, शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए KP बाई आर क्यू, देखो KP बाई आर क्यू, और एक्सियल लाइन पे कहीं निकालेंगे तो नीचे आता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे चार डिस्टेंस, तो ऊपर दो डिस्टेंस आनी चाहिए, तो दो में आर और ए दो ही तो वेरिएबल है, दोनों आ जाएगा प्रोडक्ट में। जब डाइपोल मोमेंट लिख दोगे तो ए तुम्हारा चला जाएगा, 2QA को पी लिख दूंगा तो आर बचेगा, और आर बचना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब नीचे ए को बहुत छोटा मानूंगा, आइडियल डाइपोल मानूंगा, तो आर का पावर 4 आएगा, देखो स्क्वायर और स्क्वायर, तो एक आर कटना चाहिए, तो एक आर ऊपर बचा रहेगा जो नीचे काट देगा, देखो मजा आया कि नहीं। अब ये मान लो डाइपोल है और किसी जनरल पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो मान लो यहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है थीटा एंगल पे डिस्टेंस आर है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। हमने डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकालना सीखा है। सर यहां पे कैसे निकाले, तो ध्यान से सुनिएगा, अपन क्या करेंगे, इस डाइपोल का दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट एग्जैक्टली उसी लाइन में जहां आपको फील्ड निकालना है, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका पी साइन थीटा। ये दो डाइपोल नहीं बनाए मैंने, इस डाइपोल का, इस पी का कंपोनेंट लिया है अलोंग द लाइन जहां पे हमें फील्ड निकालना है, परपेंडिकुलर द लाइन। तो इस पी कॉस थीटा की वजह से इसी के लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई इज इक्वल टू 2KP कॉस थीटा बाई आर क्यू। अरे समझ गया, 2KP कॉस थीटा बाई आर क्यू, क्योंकि पी नहीं है, पी कॉस थीटा। और जो ये पी साइन थीटा, इससे इक्वेटोरियल लाइन पे इस तरफ फील्ड आएगा, क्योंकि इससे एंटी पैरेलल होता है इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू KP साइन थीटा बाई आर क्यू। अब नेट फील्ड कहीं इधर आएगा, नेट फील्ड होगा क्या, नेट फील्ड होगा इन दोनों का परपेंडिकुलर सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 2KP बाई आर क्यू, और KP बाई आर क्यू कॉमन है तो बाहर ही रख लो उसको, KP बाई आर क्यू को बाहर ही रख लो। अब वेक्टर सम करोगे तो रूट अंडर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos² थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, तो ये आ जाएगा बेटा 1 + 3 cos² थीटा। और ये भूलने वाली जैसी बात नहीं है, क्योंकि किसी जनरलाइज थीटा पे निकाला है। लॉजिकली मैं इसको समझाऊंगा, अगर आपका थीटा जीरो है, थीटा जीरो, तो तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। अगर थीटा जीरो है तो यहाँ पे निकाल लो एक्सेल लाइन पे टू के पी बाई आर क्यू आना चाहिए एक्सेल लाइन पे। तो थीटा जीरो रखोगे, जीरो रखो, कॉस 0 1, 3 + 1 4, रूट फोर इज टू, 2KP बाई आर क्यू। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2KP बाई आर क्यू। और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालोगे थीटा 90 रख दो, तो KP बाई आर क्यू आना चाहिए, कॉस 90 होता है 0, तो KP बाई आर क्यू आ जाएगा। समझ आ रहा है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बनाएगा, तो ये इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा, वो अल्फा होगा, और टैन अल्फा आ जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रहा तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बेस, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो KP sin θ/r³, 2KP cos θ/r³। तो क्या हो जाएगा सर, टैन थीटा बाई टू, ये आ गया टैन थीटा बाई टू। तो इस लाइन से टैन थीटा बाई टू, अगर डाइपोल से देखोगे तो थीटा प्लस अल्फा एंगल आएगा, ये थीटा प्लस अल्फा एंगल आएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ये बात। अब यहाँ पे पूछते हैं कि कितने एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा, कितने एंगल पे यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज द थीटा वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा क्यों, सबसे पहला सवाल ये है, क्यों होगा परपेंडिकुलर? तो इसलिए होगा, समझिएगा, यहाँ पे कहीं पे भी तुम फील्ड देखोगे तो इसी लाइन के लॉन्ग आएगा, और यहाँ पे फील्ड देखोगे तो पीछे आएगा, यहाँ पे भी आगे आएगा, मतलब फील्ड ऐसे गया और प्लस से निकल के माइनस क्यू तक पहुँचेगा फील्ड, तो ऐसे जाके ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे घूम के फिर नीचे आएगा, फिर इसमें अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न है एग्जैक्टली नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, और डाइपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारे सवाल भी करेंगे हम लोग। स्क्रीन पॉज करके यहाँ तक लिखिए।